नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जितेंद्र नारखेड़े। साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम दो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स बाय वेक्टर, और जो दूसरा टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे बॉउज नोटेशन मेथड। तो ये जो दोनों टॉपिक है आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने पिछले वीडियो मिस कर दिए हैं, जो ये हमारी सीरीज चल रही है अप्लाइड मैकेनिक्स या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप इसे कह लीजिए, ये जो सीरीज चल रही है इसके अगर वीडियो आपको देखना है तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और सेम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके सारे वीडियोज़ देख सकते हो। तो चलिए हम पहले टॉपिक पर चलते हैं जो अपना होने वाला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स बाय वेक्टर। तो लास्ट कुछ वीडियो में हमने फोर्स के बारे में देखा, व्हाट इज मीन बाय फोर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑन बॉडी। ये सारी जो चीज़ें थी ये फोर्स के रिलेटेड, ये हमने वन बाय वन लास्ट कुछ वीडियो में देखी। तो आज हमें देखना है कि फोर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फोर्स को हम दिखाते कैसे हैं, बिकॉज फोर्स इज नॉट विजिबल टू अस। हम फोर्स नॉर्मली अप्लाई करते हैं, मतलब मैं अगर आपको कहूँगा कि आपको एक्स वाई जेड अगर ये बॉडी है आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो आप इसको पुल करोगे या फिर पुश करोगे, मतलब ये जो पुल या पुश एक्शन होता है इसे हम कहते हैं फोर्स या फिर एक्सटर्नल एजेंसी। बट ये विजिबल नहीं होता, तो ये विजिबल होने के लिए मतलब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम ग्राफिकल मेथड से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो उसको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है फोर्स को। सो यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स बाय वेक्टर। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अ फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब हम फोर्स नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन से हम फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं, बट हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि उसकी लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन जैसी होगी उसी लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन के पैरेलल हम वो उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसे मान लीजिए, अभी फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं बता दूं, ये एक फोर्स है, जैसे ये एक फोर्स है, इसे हम कहेंगे ओ ए, और ये जो फोर्स है ये पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ है और इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह की है, मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ईस्ट साइड है, हम इसे कहेंगे ईस्ट, ई ए एस टी। ये जो है ये फोर्स ओ ए है और ये इसकी जो ये डायरेक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है इसकी, ईस्ट के साइड ये जा रहा है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन। तो इस तरह का ये जो फोर्स है, ये अभी ये जो फोर्स एक्ट होने वाला है कोई भी एक्स वाई जेड बॉडी के ऊपर, हमें इसे ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कैसे करना है वो हमें अभी देखना है। तो नॉर्मली हम जब ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं तब हम स्केल एज्यूम करते हैं, क्योंकि अभी देखिए जो मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है ये हम ग्राफिकली कहीं पर भी ड्रॉ नहीं कर सकते, 100 न्यूटन हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए स्केल एज्यूम करना पड़ेगा। तो जैसे आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी आपने पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आप जब नॉर्मली जब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जब आपको ड्रॉ करना होता है सीट के ऊपर, तब आप क्या करते हो, वहाँ पे एक स्केल अज्यूम करते हो ताकि आप वो ऑब्जेक्ट जो है वो सीट में ड्रॉ कर सको। तो इसी तरह से हमें स्केल अज्यूम करना है। तो चलिए मैं एक स्केल अज्यूम कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 न्यूटन। मतलब जो ये जो 100 न्यूटन है उसमें से जो 25 न्यूटन होगा, ईच 25 न्यूटन, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये न्यूटन को मुझे अगर ये सेंटीमीटर में करना कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दिस स्केल जो मैंने एज्यूम किया, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 100 न्यूटन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जैसे 4 × 25 इज इक्वल टू 100, तो आपको ये 100 न्यूटन मिल जाएगा। तो जैसे हमने देखा कि फोर्स कैन बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली बाय ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो एक्चुअल फोर्स है जो ये पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है
उसी लाइन ऑफ एक्शन से पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जैसे अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना हो ग्राफिकली, तो मैं क्या करूँगा, इधर एक पॉइंट कंसिडर करूँगा और मेरा बाय यूजिंग स्केल, अभी ये 100 को मुझे बाय यूजिंग स्केल कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे कितना ड्रॉ करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये लाइन कैसे होगी, पैरेलल टू द एक्शन ऑफ फोर्स और पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अभी इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ईस्ट की साइड है, मतलब इस साइड है, तो मैं इसे यहाँ पे इस तरह से डिनोट करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा ओ और ए, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ग्राफिकली फोर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। तो मान लीजिए अगर आप, आपको ऐसा एक फोर्स दिया है कि जो ये एक फोर्स है, ये फोर्स मान लीजिए ए और बी है, इसका लाइन ऑफ एक्शन है इस तरह से, और इसका जो ये स्पेस है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो स्केल है, जो स्केल एज्यूम करके जो डिस्टेंस लिया होगा, ये है 5 सेंटीमीटर। तो आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास स्केल होना चाहिए कि आपने कौन सा स्केल एज्यूम किया है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने अगर इसके लिए स्केल एज्यूम किया होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है, तो मैं इसे अगर मुझे मैग्नीट्यूड इस फोर्स का अगर मुझे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 10 × 5 इज इक्वल टू 50। तो इस तरह से आपको फोर्स रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग वेक्टर, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड जब हम आगे आने वाले जो यूनिट है उसमें देखेंगे, तो हम फोर्स जो है वो हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो अगेन मैं आपको बता दूं, अ फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होने वाली है, इसी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के पैरेलल हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। तो आपको लिखते टाइम मान लीजिए अभी यहाँ पे कैपिटल लेटर्स थे, तो आप जब ग्राफिकली लिखोगे तो आपको इधर स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स बाय वेक्टर। तो अभी हम देखते हैं बाउज नोटेशन क्या है और बाउज नोटेशन की ज़रूरत क्या क्यों पड़ी। तो बाउज नोटेशन मतलब इसमें क्या होता है, इसे भी इसमें भी हम फोर्स जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स बाय वेक्टर था इसके कुछ ओन लिमिटेशंस थे। तो ये लिमिटेशंस की वजह से और एक मेथड इन्वेंट किया गया, वो है बाउज नोटेशन मेथड। तो चलिए हम वो मेथड हम देखते हैं, उसमें हम फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम समझते हैं। तो जैसे नेक्स्ट जो है उसमें है बाउज नोटेशन मेथड। बाय यूजिंग बाउज नोटेशन मेथड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ फोर्स ग्राफिकली, दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ। तो चलिए हम देखते हैं कि हम फोर्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नंबर फर्स्ट पॉइंट इन केस ऑफ बाउज नोटेशन मेथड इज बाउज नोटेशन मेथड कंसिस्ट ऑफ अ स्पेस डायग्राम एंड वेक्टर डायग्राम। मतलब जो ये जो बाउज नोटेशन मेथड है इसमें दो डायग्राम्स कंसिडर करते हैं, जो पहला होता है स्पेस डायग्राम और सेकेंड वन इज अ वेक्टर डायग्राम, जो हमने अभी देखा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। और यहाँ पे कैसे है, जैसे जैसे पॉइंट सेकेंड आप पढ़िए, पॉइंट सेकेंड में है इन स्पेस डायग्राम स्पेस इज मार्क बाय कैपिटल लेटर्स इनक्लोज इन अ सर्कल। मतलब स्पेस डायग्राम जब आप बनाते हो तब आपको अगर नोटेशन देना होता है तो आप हमेशा नोटेशन कैपिटल लेटर्स में देते हो और उसे आप सर्कल बनाते हो, जैसे हम देखेंगे अभी आपको पता चलेगा। और थर्ड नंबर का पॉइंट पढ़िए, नाउ पैरेलल टू स्पेस डायग्राम वेक्टर डायग्राम इज ड्रॉन बट मार्क इन अ स्मॉल लेटर्स। मतलब इसमें भी आपको जो वेक्टर डायग्राम्स में जो फोर्सेस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको ड्रॉ करना है, बट नोटेशन देते टाइम आपको वो स्मॉल लेटर्स में देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी जैसे हमारे पास एक स्पेस डायग्राम है, तो जैसे हम पहले कंसिडर करते हैं हमारे पास एक वेक्टर डायग्राम है जो कुछ सिस्टम ऑफ फोर्स है वेक्टर डायग्राम में है। जैसे मान लीजिए इस तरह से एक डायग्राम है, ये एक फोर्स हो गया, इस तरह
तरह से एक फोर्स हो गया और ये इस तरह से एक फोर्स हो गया। चलिए मैं इसको थोड़ा और लंबा कर देता हूँ, 1, 2 एंड 3। तो इसको मैं नाम देता हूँ ए, बी और सी। तो जैसे देखिए, ये हो गया वेक्टर डायग्राम, वी ई सी टी ओ आर डी आई ए जी आर ए एम, ये हो गया वेक्टर डायग्राम, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस बाय यूजिंग वेक्टर डायग्राम। ठीक है, तो ये जैसे हमने अभी पढ़ा, तो अभी बाउज नोटेशन मेथड में हमें क्या करना है, अभी हम इस वेक्टर डायग्राम को स्पेस डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं और हम उसे बाउज नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब आप इसे वेक्टर डायग्राम को स्पेस डायग्राम में कन्वर्ट करोगे या फिर आप उसको एक्सचेंज करोगे, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको हमेशा जो फोर्सेस है उसके लाइन ऑफ एक्शन को उसको पैरेलल रखना है। तो जैसे मान लीजिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इन्हें ग्राफिकल मेथड में मुझे अगर इसे रिप्रेजेंट करना होगा, ग्राफ पे मुझे अगर इसे रिप्रेजेंट करना होगा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल ये जो वेक्टर है ए बी से, तो मैं जो ये ए बी वेक्टर है इसे मैं स्पेस डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो जैसे आपके पास पता है, आपके पास रोल एंड ड्रॉ होता है, आपके पास ड्राफ्टर होता है, तो आप नॉर्मली रोल एंड ड्रॉ इसके लिए यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, रोल एंड ड्रॉ इसे पैरेलल सेट करूँगा, एक एक पॉइंट में कंसिडर करूंगा कि भाई ये एक पॉइंट है जो पॉइंट ओ होने वाला है, और मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसको, ये जो वेक्टर है इसको पैरेलल में रोल एंड ड्रॉ सेट करूंगा, और वो रोल एंड ड्रॉ में रोल करते हुए यहाँ इस पॉइंट पे लेके जाऊंगा, और ये जो ए बी वेक्टर है इसके पैरेलल में एक लाइन बनाऊंगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और मैं इसको डायरेक्शन दूंगा, क्योंकि हमें, आपको याद रखना है, हमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स चेंज नहीं करना है। तो ये जो ए बी का जो लाइन ऑफ एक्शन था उसी के पैरेलल मैंने एक लाइन खींची और उसका सेम लाइन ऑफ एक्शन है। देखिए ये एरो मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, और अभी मैं क्या करूँगा, अभी हम देखते हैं ये जो बी सी वेक्टर है इसे मैं रोल एंड ड्रॉ पैरेलल सेट करूँगा, और मैं रोल करते हुए फिर से इस पॉइंट पे लेके जाऊँगा और इसे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरह से, और इसे दिखाऊंगा ऐसे। देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन और ये लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है। और अभी चलते हैं हम, ये पॉइंट जो है, ये जो वेक्टर है सी ए, इसके ऊपर हम रोल एंड ड्रॉ सेट करेंगे, या फिर आप ड्राफ्टर लगाओगे तो ड्राफ्टर से और अच्छा होगा, चाहे आप ड्राफ्टर यूज करो या रोल एंड ड्रॉ यूज करो, डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने सेट कर दिया, उसके बाद मैं रोल करते गया और मैंने जो सी ए वेक्टर है उससे सेम पैरेलल वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और उसका मैंने नोटेशन डायरेक्शन दिया इस तरह से, क्योंकि ये जो सी ए वेक्टर है इसका लाइन ऑफ एक्शन इस साइड है, तो मैंने इसको इस तरह से मेंशन किया। तो ये जो डायग्राम है इसे कहते हैं स्पेस डायग्राम। देखिए अभी ये जो हो गई वेक्टर डायग्राम, ये हो गई स्पेस डायग्राम, और अभी स्पेस डायग्राम में हमें नोटेशन कैसे देने हैं, तो ये सेकेंड टॉपिक आप पढ़िए, सेकेंड जो पॉइंट था वो आप पढ़िए। इन स्पेस डायग्राम स्पेस इज मार्क बाय कैपिटल लेटर्स इनक्लोज इन अ सर्कल, मतलब हमें जो कैपिटल लेटर्स जो स्पेस है जिनके बीच में ये जो वेक्टर है या फिर ये जो फोर्स है वो हमें रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए जो लेटर्स है वो हमें कैपिटल्स लिखने पड़ेंगे और उनको हमें सर्कल करना पड़ेगा। तो जैसे अभी मैं लिखता हूँ और आपको रीड कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं फिर से ए बी से, तो अगर मुझे ए लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ए और इसे सर्कल कर दूँगा इस तरह से, और मैं यहाँ पे लिखूँगा बी और मैं इसे सर्कल कर दूँगा इस तरह से। अभी अगर मुझे ये फोर्स अगर मुझे रीड करना है, तो देखिए फोर्स को, ये कौन सा है वेक्टर डायग्राम में, आप अगर आप इसे पढ़ते हो तो आप इसे क्या कहते हो, ये फोर्स ए बी है, ठीक है, ए टू बी, और अगर इसे स्पेस डायग्राम में पढ़ेंगे तो ये फोर्स किन दो लेटर्स के बीच में है, ये फोर्स है इन बिटवीन द लेटर ए एंड बी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये रीड करना है, तो ये फोर्स हो गया ए बी क्योंकि ये ए और बी के बीच में है। देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज सेम, अगेन दिस फोर्स इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इज ऑल्सो सेम, और ये ए और बी के बीच में है, तो ये फोर्स हो गया ए बी, ठीक है। और मैं यहां पे लिख दूंगा पॉइंट सी और मैं इसको इस तरह से सर्कल कर दूंगा।
अभी जैसे देखिए ये जो वेक्टर है बी सी, मैंने क्या किया था, इससे सेम पैरेलल ये वेक्टर ड्रॉ किया था, उसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अभी मैं इसको स्पेस डायग्राम में रीड कैसे करूँगा, वेक्टर बी सी, क्योंकि ये बी और सी के बीच में है और इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है जो ये वेक्टर डायग्राम में था, ठीक है। और अभी चलिए आगे चलते हैं, सी ए को देखते हैं, सी ए को भी पैरेलल मैंने ड्रॉ किया था इस तरह से, और देखिए अभी ये जो पॉइंट्स है सी और ए, सी और ए के बीच में है और लाइन ऑफ एक्शन सेम है जो वेक्टर डायग्राम में था। तो इस तरह से आपको ये नोटेशन देना होता है, ठीक है। अभी जैसे देखते हैं हम, अगर एक मान लीजिए अभी ये तीन फोर्सेस थे, तो अगर एक ही फोर्स है और ये इस तरह से बना हुआ है, ये है वेक्टर डायग्राम, ये कुछ इसका 3 सेंटीमीटर करके होगा, इसे है ये है ओ और ये है ए और इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा इस तरह से। तो ये हो गया वेक्टर डायग्राम, क्योंकि इसमें लेटर्स वगैरह स्मॉल है और ये स्केल यूज करके हमने इसे ड्रॉ किया है, और इसका मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड होगा एफ इज इक्वल टू कुछ होगा 200 न्यूटन। तो आपको इसका स्पेस डायग्राम में कैसे लिखना है वो देखते हैं। स्पेस डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम जो लेटर्स हैं वो कैपिटल लिखते हैं और उनको सर्कल बनाते हैं। अभी ये जो सिंगल फोर्स है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग बोज नोटेशन। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ये यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो गया और ये इस साइड जा रहा है, मतलब ये अगेन मैं लिखता हूँ इधर ई ए एस टी ईस्ट, और जब बाउज नोटेशन मैं यूज़ करूँगा तब मैं यहाँ पे लिखूँगा ओ और इस तरह से, और नीचे लिखूँगा ए और ये इस तरह से होगा। तो आप जब भी ये फोर्स दिखाओगे तब आपको वो इस तरह से दिखाना है, और मैं यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिख दूंगा, तो F इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो इस तरह से आपको ये बाउज नोटेशन में दिखाना होता है। तो अभी तो ये बेसिक था, हमने बाउज नोटेशन आपको यूज कैसे करना है वो हमने अभी देखा। तो बाउज नोटेशन बेसिकली दो डायग्राम्स उसमें कंसिडर करते हैं, वेक्टर डायग्राम और स्पेस डायग्राम, जैसे अभी हमने देखा। सो बाउज नोटेशन में हमें जो लेटर्स हैं वो कैपिटल लिखने पड़ते हैं, उसको सर्कल करना पड़ता है, और इन केस ऑफ वेक्टर डायग्राम हम जो लेटर्स हैं जो नोटेशन है वो स्मॉल लेटर में देते हैं और हम स्केल अज्यूम करके करते हैं। तो इसका और डिटेल जब हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे आगे जो आने वाले जो यूनिट है उसमें इसका और डिटेल आपको, जब हम एक्चुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स करेंगे तब आपका जो डिटेल टॉपिक है वो और ज़्यादा इसमें कवर हो जाएगा। तो ये जो था ये बेसिक था, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो जब भी हम आगे ग्राफिकल मेथड सीखेंगे तो ग्राफिकल मेथड में हम इस तरह से फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे आने वाले जो यूनिट है इसमें हमें ये दोनों जो नोटेशंस हैं, ये जो दोनों डायग्राम्स हैं उसमें हमें फोर्सेस ड्रॉ करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा हाउ टू रिप्रेजेंट फोर्स ग्राफिकली बाय यूजिंग वेक्टर और बाय यूजिंग बाउज नोटेशन मेथड। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।